सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रेसिपीज में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एकदम ढाबा स्टाइल लोबिया की रेसिपी लाई हूँ। आपने इस रेसिपी को ऐसे कभी नहीं बनाया होगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक किया करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आपके पास मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आ सके। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी लोबिया को 2 घंटे पहले ही पानी में भिगो दिया था। अगर आपके पास समय ना हो तो कम से कम कोशिश कीजिए कि आधे घंटे के लिए आप इसे पानी में भिगो कर रखें। उसके बाद अब हम इसे पानी से छान लेंगे और इसे हम डालेंगे सीधा कुकर में। और इस स्टेज पर मैं 1 ग्लास पानी इसमें ऐड करूंगी। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारे जो लोभिया है ना वो डूब जाए। साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा देंगे और 2 विसल बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसकी आने देंगे। दोस्तों, लोबिया एक ऐसी सब्जी है ना जिसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, साथ ही ये वेट लॉस में भी बहुत मदद करता है। पर इसे जो बनाने का तरीका है वो सबका इतना अच्छा नहीं होता कि घर में सभी को ये पसंद आए। तो आज ये ढाबा स्टाइल रेसिपी मैं आपके लिए इसलिए लाई हूँ ताकि ये हेल्दी रेसिपी आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी बताएं कि आपको मेरा ये जो टेस्ट और ट्विस्ट है कैसा लगा। अब मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 2 विसल लगा दी थी और अब जब ये कुकर अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा, यानी कि इसकी स्टीम निकल जाएगी, तो अब मैं आपको यहाँ पर खोलकर चेक करके दिखा रही हूँ। जो लोबिया है हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, ओवर बॉयल्ड भी नहीं है, मैशी नहीं हुए, एकदम परफेक्टली हमारे बॉयल हो चुके हैं। तो अब हम आते हैं, गैस पर रखते हैं एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा के चटकने के बाद मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज इसमें ऐड कर दिए हैं। प्याज को हमें यहाँ पर लो फ्लेम पर पकाना है। इस रेसिपी के लिए हमें लाइट गोल्डन ब्राउन प्याज का कलर चाहिए, तो बीच बीच में चलाते हुए हल्का सा आप प्याज का जो कलर है वो चेंज कर लें। जब तक यहाँ पर प्याज हमारे भुने जा रहे हैं, अब बनाते हैं हम इस रेसिपी की जान जो कि है गेम चेंजर। इसके लिए मैंने यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया ले लिया है, धो लिया था, और डंठल के साथ लेंगे। 1 हरी मिर्च ले ली है मैंने यहाँ पर, 2 बड़े चम्मच मूंगफली को फ्राई कर लिया था थोड़े से ऑयल में और ठंडा कर लिया है, साथ ही 1 बड़े साइज का टमाटर और लहसुन की 7 से 8 कलियाँ। छोटे वाले पीसेस हैं लहसुन के तो 7-8 कलियाँ ली है, अगर बड़े पीसेस हो तो 2 से 3 कलियाँ आप ले सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम डालेंगे एक मिक्सर जार में और बिना पानी डाले पहले आप पीस लीजिए। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से पिस जाएगा ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके 2-2, 3-3 चम्मच करके आप इसमें पानी डालना। बस इतना मेक श्योर करना है कि जो पेस्ट हम बनाएंगे वो इस तरीके से एकदम स्मूथ होनी चाहिए। ये पेस्ट इतनी कमाल की है दोस्तों, इस रेसिपी का जो टेस्ट है ना बिल्कुल बदल देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज हैं उनका जो रंग है हल्का हल्का सुनहरा हो चुका है। बस इतना ही हमें से कुक करना है, बहुत ज़्यादा हमें से कुक नहीं करेंगे। इसी स्टेज पर हमने जो ये पेस्ट बनाई है ना ये इसमें ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, ये जो पेस्ट है ना ढाबे वाले यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है ये जो रेसिपी है ना एक बहुत ही उम्दा सा फ्लेवर इसमें आता है जो कि नॉर्मल तड़के वाली सब्जियों में नहीं आता है। तो आप एक बार इस चेंज को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और प्याज का रंग जो है हल्का हल्का ही रखना है। इसी स्टेज पर अब हम इसे ऐड करेंगे। यहाँ पर हम इसे 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे। साथ ही दोस्तों, वो जो मिक्सर जार है जिसमें हमने इसे पीसा है उसमें काफ़ी मसाला लगा होता है कई बार, तो हम क्या करेंगे उसमें 4-5 बड़े चम्मच पानी डालकर सारा एक्स्ट्रा मसाला निकाल लेंगे और वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। इस स्टेज पर हमें थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि हमने इसमें पीनट्स इस्तेमाल किए हैं, उसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से रचना चाहिए। टमाटर लहसुन भी हमने कच्चे इस्तेमाल किए हैं तो वो भुन जाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक हमें इसे भुनना है। आप देखेंगे कॉर्नर से ना आपको तेल अलग होता हुआ दिखाई देने लग जाएगा।
इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे बेसिक सूखे मसाले। तो हमें इसमें डालना है नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच बिल्कुल टीस्पून के करीब हमने इसमें हल्दी पाउडर डाली है, एक बड़ा चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर डाला है, एक टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी यूज़ किए है इसलिए, और साथ ही हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला हमें इसी स्टेज पर इसमें ऐड करना है। सूखे मसाले डालने के बाद हमें इसे भुनना है और तब तक भुनेंगे जब तक हमें तेल अलग होता हुआ ना दिखाई दे, और इसे आप लो फ्लेम पर ही पकाइएगा। लाइक जो हम खाना खाते हैं ना ढाबों पे, रेस्टोरेंट्स पे, उनमें जो खाना बनता है ना वो बहुत ही धीमी धीमी आंच पर बनता है जिसकी वजह से उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए, ये जो मसाला है अच्छे से भुना जा चुका है, आप इसके कलर को देख के ही जज कर सकते हैं कि ये मसाला भुन चुका है। अब बारी आती है लोबिया ऐड करने की। तो दोस्तों लोबिया मैंने सारे इसमें ऐड कर लिए हैं और इसे बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। अब जो हमारी ग्रेवी है वो 100% कुक है, साथ ही जो हमारे लोबिया हैं वो भी बढ़िया से बॉईल हो चुके हैं। तो यहाँ पर पहले मैं एक बार इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़रूरत के हिसाब से पानी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी यहाँ पर आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालिए। मैंने यहाँ पर 1 ग्लास पानी डाला है क्योंकि आज ये सब्जी मैं ना रोटी के लिए बना रही हूँ। अगर आप राइस के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे आप 1.5 से 2.75 ग्लास के करीब पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये जो सब्जी है ना थोड़ी देर रखने के बाद थोड़ी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। उसके साथ ही दोस्तों मैंने यहाँ पर एक टमाटर को इस तरह से रफली काट कर भी इसमें ऐड कर लिया है क्योंकि ये जो टमाटर है ना बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। पानी डालने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, गैस का फ्लेम लो कर देना है और ढक्कन लगाकर बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और 10 से 15 मिनट के बाद आप देखिए हमारी जो ये रेसिपी है कितनी टेम्पटिंग लग रही है, ट्रस्ट मी, इसी स्टेज पर पूरे घर में आपकी खुशबू हो जाएगी। और देखिए ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी है, हमने 1 ग्लास पानी यूज़ किया था, काफ़ी रिड्यूस हो चुका है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। इसके फ्लेवर को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। उसके साथ ही दोस्तों हमने इसमें डालना है भुनी हुई कसूरी मेथी, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा, ये रेसिपी में बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। लाइक थोड़ी सी कसूरी मेथी को तवे पर हल्का सा भून लेना है और उसके बाद हाथों से क्रश करके इसमें डालना है। और लास्ट में हमेशा मैं इसमें ऐड करती हूँ 1 बड़ा चम्मच देसी घी जो कि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो इन सारी चीज़ों को अब आप मिक्स कर लीजिए और हमारी ये जो सब्जी है बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस हेल्दी सी रेसिपी को अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी स्टाइल से ट्राई कीजिएगा, मैं गारंटी लेती हूँ आपके घर के बच्चे बड़े सभी को ये बहुत पसंद आएगी। साथ ही इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, घर में रखी चीज़ों से भी बन जाएगी। तो ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी शानदार लग रही है। अब यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और अब हम इसे करेंगे गर्मा गर्म सर्व। तो ये देखिए आप, यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है और पहले की कंपेयर में थोड़ी सी गाढ़ी भी हो चुकी है। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कितनी शानदार लग रही है दोस्तों, जितनी सुंदर ये देखने में लग रही है ना उससे बहुत ज़्यादा ही ये टेस्टी है। तो आप इसे कब ट्राई कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों देखा आपने, इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, साथ ही इसका टेस्ट आपको इतना पसंद आएगा आप इसे दोबारा अपने घर पर जरूर बनाएंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा। अब मैं आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।